सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारिया का। यूएसए जाण वाले स्टूडेंट्स वास्ते अज का शो बहुत ही खास है। शो बहुत ब्रीफ रहेगा, एंड तक देखियो, क्योंकि यूएसए जिहड़े स्टूडेंट्स ने जाना वो लैंडमार्क नू पसंद कर रहे ने। पहली पसंद है लैंडमार्क। सो समझण की कोशिश करांगे यूएसए वाले स्टूडेंट लैंडमार्क विच ही क्यों अप्लाई करना पसंद कर रहे ने, ते रिजल्ट इन्ना वधिया लैंडमार्क का किस तरीके नाल आ रहा। अज साडे नाल लैंडमार्क इमीग्रेशन के चीफ ने जसमीत भाटिया जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सो जसमीत जी, यूएसए वाले स्टूडेंट्स थोड़े को इन्ना ज्यादा आ रहे ने, तुसी पहली पसंद लग रहे हो पूरे पंजाब दे विच, यूएसए दे मामले च की खास है? सी, एक तां दीपक जी वी की कहिंदे रिप्रेजेंट मोर देन 70 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन यूएसए, और दूसरा वी आर AIRC सर्टिफाइड, यानी कि अमेरिकन इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट काउंसिल तो असी सर्टिफाइड हाँ। थर्डली USATC का एक एग्जाम होता है, वो मैं खुद क्लीयर किया होया। सो इन सारिया चीज़ों का स्टूडेंट्स में तुसी किवें फायदा दिंदे हो, जिन्हां नूं नहीं पता स्टूडेंट्स में ये भी समझाओ। बिल्कुल बिल्कुल। सो जदों असीं AIRC सर्टिफाइड होंदे हां तां वी हैव टू फॉलो सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशन, एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस दे भी कुछ नॉर्म्स होंदे हैं जिन्हां नूं असीं रिप्रजेंट करना होंदा। सो जिहड़ी स्टूडेंट नूं इनफॉर्मेशन हैगी है ना, वो साडे कोलों वधिया मिल सकदी है, असीं क्लैरिटी दे सकदे हां यूनिवर्सिटी दे बारे भी, और की कहिंदे आ स्टूडेंट नूं प्रोसैस दे बारे भी। और दूसरी चीज़ है, असी स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं, वी डोंट डू पैकेजेस दीपक जी। सो यूएसए स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर का यह फायदा है कि कोई भी फीस वैसे ही पहला नहीं जाती, पहला वैसी फीस जाती है। जे किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की I-20 फीस है तो वह जाती है, एंड थोड़ी सर्विस फीस जाती है, और इस तो अलावा कोई भी फीस नहीं जाती, ट्यूशन फीस नहीं जाती, ट्यूशन फीस वीज़ा लगन तो बाद जाती है। एंड की कहें जी वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन है, वी विल गाइड यू, बट स्टूडेंट को अपने वालों काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए। यू शुड बी वेरी वेरी यू नो कॉन्फिडेंट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर USA स्टडी वीज़ा। एंड USA स्टडी वीज़ा जी एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर ऑलसो क्वाइट फ्लैक्सीबल। सो इफ यू आर विदाउट IELTS ऑलसो यू कैन गो एंड स्टडी ESL, इफ यू आर विद IELTS दैन यू कैन की कहें इफ यू आर डन योर IELTS, इफ यूर 5.5 ऑलसो, सो ओवरऑल 5.5 के नाल तुसी एसोसीएट डिग्री च एडमिशन लै सकते हो। अबाउट फॉर यूनिवर्सिटी यू नीड 6.5 नो बैंड लैस दैन 6, एंड यूनिवर्सिटी च एडमिशन लैन लई तुहाडा जे क्राइटेरिया तुहाडे बैंड्स घट हैं तो यू कैन गो थ्रू एन ESL रूट ऑलसो। बट USA दी यूनिवर्सिटीज आर वेरी वेरी फ्लैक्सीबल इन गिविंग यू स्कॉलरशिप्स ऑलसो एंड एडमिशन। सो बहुत वधिया स्टूडेंट्स नूं स्कॉलरशिप्स भी दिंदी है, एंड एडमिशन का प्रोसैस भी जिहड़ा वो काफ़ी स्मूद है। बट I-20s डू टेक टाइम, मतलब I-20 लैना 2-4 महीने लग ही जाते हैं कोई भी I-20 आने। सो किन्नी देर पहले अप्लाई करन स्टूडेंट्स जिहड़े जाना चाहते हैं, ते इनटेक किहड़े ने? राइट नाउ सप्टेंबर इनटेक ते फोकस रहेगा, ऑल्दो वी हैव मे इनटेक कॉलेजेस अवेलेबल हैगा USA, बट सप्टेंबर इनटेक ते बहुत फोकस रहेगा क्योंकि अपॉइंटमेंट्स जिहड़ियां हैगियां US एम्बेसी दियां हले थोड़ियां जिहां बहुत मुश्किल नाल मिल रही हैं। सो थोड़ा डिले हैगा, तो स्टूडेंट नूं कहो कि 4-5 महीने का प्रोसैसिंग टाइम ओवरऑल रहेगा ही रहेगा। बट दीपक जी, USA दी जिहड़ी सब तो वधिया गल पता की है, जदों स्टूडेंट इंटरव्यू देन जांदा ना उन्होंने उस टाइम पता लग जाता कि वह वीज़ा लगे कि वीज़ा नहीं लगा। सो देर इज़ जो डिले है अपॉइंटमेंट लाइन से ही है, बट प्रोसैसिंग डिले कोई नहीं है। सो उस टाइम ही स्टूडेंट को वीज़ा अपना अप्रूवल या रिफ्यूजल बारे पता लग जाता, और जो अप्रूवल होंगे तो उन्होंने ही वीज़ा लग के मिल जाता। और जो असं गल करिए कि बच्चे काफ़ी सारे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये 5 बच्चे साढ़े इंटरव्यू दे गए से, और 5-4 बच्चों के USA के वीज़ा लग के आ गए। सो एक चीज़ मैं होर समझाओ, ये भी मैं सुनया कि USA जो अप्लाई करना है तो नवे या घट एक्सपीरियंस एजेंट्स को अपलाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, खास करके USA। सो बिल्कुल यही है ना सर, पहली गल तो I-20s लई डायरेक्ट टाइप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो USA दी जिहड़ी I-20s जिन्हें कहने कि जिदे बेसिस से तुसी ऑफर लैटर कहते हैं सर, I-20 का मतलब ऑफर लैटर है, उत्थे ऑफर लैटर नहीं आती दीपक जी, सीधा I-20 आती है। वो I-20 एक गवर्नमेंट का डॉकूमेंट होंगे, और वह गवर्नमेंट के डॉकूमेंट पर लिखा होंगे एक सर्विस नंबर, स्टूडेंट एक्सचेंज विजिटर इनफॉर्मेशन सिस्टम का नंबर होंगे। वह सर्विस नंबर के नाल मतलब तुसी एक स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट रजिस्टर हो जाते हो USA च, और F1 कैटेगरी तुसी अपना वीज़ा अप्लाई करते हो। सो मैं लगता है कि काफ़ी डीप नॉलेज है, क्योंकि असं पिछले 12-13 सालों तो USA स्टूडेंट वीज़ा करते आ रहे हैं, एंड बहुत सारे बच्चे USA जाते हैं लैंडमार्क इमीग्रेशन के थ्रू। और तुसी भी जे USA का स्टूडेंट वीज़ा लगवाना चाहते हो तो तुसी साड़ी टीम के नाल कॉन्टैक्ट करो, कॉल करो 90413-90412 से, और तुसी जे नीरेस्ट ब्रांच विजिट करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो।
ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਣ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 90413 90412 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਧੰਨਵਾਦ